नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक कंप्यूटर है हमारे पास, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो है वेरीफाइंग DMI पूल डेटा। ओके, सो वेरीफाइंग DMI पूल डेटा, समटाइम क्या होती है कि जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर आके स्टक हो जाती है। वेरीफाइंग DMI पूल डेटा, जहाँ पर आपको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, तो वो कंप्यूटर समटाइम बूट नहीं कर पाती है और यहाँ पे आके स्टक हो रही है। जैसा कि हमारे भी केस में यहाँ पे आके कंप्यूटर जो है स्टक हो रही है, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं और उसी रीजन का जो सॉल्यूशन है उसके क्या कारण है और उस कारण के क्या सॉल्यूशन है ताकि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, इसी के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, वेरीफाइंग DMI पूल डेटा का जो मतलब है, DMI का मतलब होता है डेस्कटॉप मैनेजमेंट इंटरफेस, यानी एक ऐसा इंटरफेस जहाँ से आपका डेस्कटॉप मैनेज किया जा सके, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर वो बूटेबल डिवाइस होनी चाहिए, तब जाके आपको एक इंटरफेस मिलेगी जहाँ से आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप यानी कंप्यूटर को आप मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है कि कंप्यूटर कह रहा है कि DMI पूल डेटा को हम वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आके हम स्टक हो रहे हैं। इट मीन्स कि कोई ऐसा जो बूटेबल डिवाइस, जैसे कौन कौन सी बूटेबल डिवाइस होती है, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, CD DVD ड्राइव, पेन ड्राइव, नेटवर्क, तो इतने सारे जो डिवाइसेज हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो बूटेबल है, और अगर बूटेबल है भी तो कुछ ऐसे बूटेबल फाइल्स हैं जो मिस हो गई है। तो बेसिकली आपको इसमें सबसे पहले BIOS के अंदर जाना पड़ेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल अल्ट डिलीट का इस्तेमाल करूँगा और कंप्यूटर को रिबूट करूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर को हमने रिबूट किया है और कंप्यूटर जैसे ही अप आएगा तो हमें सबसे पहले डेल के थ्रू सेटअप में जाने हैं, BIOS इंटर सेटअप। ओके, डेल टू इंटर सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हो सकता है कि आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के केस में F2 बटन हो या F10 बटन हो, ये डिपेंड करती है कंपनी वाइज। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सीमोस सेटअप, स्टैंडर्ड सीमोस फीचर में आपको सबसे पहले आने हैं। हो सकता है कि आपका BIOS का इंटरफेस कुछ अलग हो, लेकिन आपको ये चेक करना है BIOS में कि आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क डिटेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ST3160 जो कि एक हार्ड ड्राइव है, ST मीन्स सीगेट, SM मीन्स सैमसंग की हार्ड डिस्क, और WD आएगी तो वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क। इसी तरह सोनी और टोसीवा की भी हो सकती है, IBM की भी हो सकती है हार्ड ड्राइव। तो जनरली आपको यहाँ पे इंटर की प्रेस करके यहाँ पे हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करवाने हैं। जैसा कि मैं इंटर की प्रेस किया हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो 160 GB, यानी हमारे कंप्यूटर में 160 GB की जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है। और फिर हम वन स्टेप बैक जाएंगे, तो जैसा कि वन स्टेप बैक आ गए हैं और यहाँ पे जो ड्राइव ए है ये रिप्रेजेंट करती है फ्लॉपी ड्राइव को, तो आपको सम टाइम क्या होती है वेरीफाइंग DMI पूल डेटा में ड्राइव ए यानी फ्लॉपी ड्राइव अगर फर्स्ट बूट डिवाइस सेट हो गई है, बूटिंग ऑर्डर जो कि हम BIOS में ही सेटिंग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि फ्लॉपी ड्राइव अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इस फ्लॉपी ड्राइव को 1.44 MB से या 2.88 MB से नन पे रखेंगे, यानी हमें यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव यूज नहीं करने हैं, तो हम इसे नन पे जो है कॉन्फिगर करेंगे। जनरली आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में ये ऑप्शन नहीं होगी। तो इस एक स्टेप बैक आएंगे और यहाँ पे अब हमें आने हैं एडवांस BIOS फीचर के अंदर, और एक बात का और खासा ध्यान रखना, गो बैक स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स, और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बात का खासा ध्यान रखना है कि जो हमारा हार्ड ड्राइव है, जो सीगेट की हार्ड ड्राइव हो, वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव हो या कोई भी कंपनी की हार्ड ड्राइव हो, अगर ये डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आपको अपने CPU के अंदर जो SATA पावर केबल होती है या SATA का जो डेटा केबल होती है वो आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि आपके मदरबोर्ड में और हार्ड ड्राइव में वो प्रॉपरली रूप से अटैच है या नहीं है। समटाइम वो SATA पावर केबल और डाटा केबल जो है वो लूज कनेक्टिविटी के कारण भी फ्रॉम दी मदरबोर्ड एंड और फ्रॉम दी डिवाइस एंड लाइक हार्ड ड्राइव और CD DVD ड्राइव, अगर वो लूज होगी तो आपका जो है डिटेक्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपका जो वो केबल है, जो SATA केबल है या SATA पावर केबल है, उसमें अगर फॉल्ट हो तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे टारगेट रखने हैं कि आपको यहाँ BIOS के अंदर, जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप आप यूज कर रहे हो, BIOS के अंदर हार्ड डिस्क का इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। BIOS को पता चलना चाहिए कि आपके सिस्टम के साथ हार्ड डिस्क
यानी जो भी हार्ड ड्राइव या कोई भी हार्ड ड्राइव अगर आप यूज कर रहे हो वो डिटेक्ट हो रही है, चाहे वो कितनी भी जीबी की हो। ओके, अगर आपका जो साटा पावर केबल है और डेटा केबल है अगर वो प्रॉपर रूप से कनेक्ट है, अटैच है, फिर भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप उस साटा पावर केबल को या साटा केबल जो डेटा केबल है उसको आप चेंज करें, रिप्लेस करके चेक करें और फिर से आप पावर ऑन करें अपने सिस्टम को और बायोस में आके ये चेक करें कि जो हमने नया केबल लगाया है साटा पावर केबल या साटा का डेटा केबल हार्ड डिस्क के ऊपर, तो वो यहाँ बायोस के अंदर डिटेक्ट हुई या नहीं हुई न्यू केबल से जो आप रिप्लेस किए हैं। या अगर फिर भी आपका जो हार्ड डिस्क है वो अगर डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आपके बायोस में एक और ऑप्शन होती है जहां से आप इस समटाइम क्या होती है कि आपके बायोस के अंदर साटा कंट्रोलर या आईडीई कंट्रोलर नाम से जो एक ऑप्शंस होती है वो डिसेबल्ड हो जाती है। यानी आपका हार्ड ड्राइव भी सही है, आपका साटा पावर केबल और डेटा केबल की जो कनेक्टिविटी है और वो जो केबल है वो भी सही है, तो बायोस के अंदर जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर डिसेबल्ड होती है। तो जैसा कि मैं आपको खाना चाहूंगा कि वो कंट्रोलर एक्चुअली में होती कहां पे, बायोस के अंदर होती है। वन स्टेप बैक जाएंगे और यहां पे इंटीग्रेटेड पेरिफेरल के अंदर आपको आने हैं। अगर आपके पास इस तरह का बायोस है जो कि पुराने डेस्कटॉप लैपटॉप में आपको ये इस तरह का बायोस देखने को मिलेगा, लेकिन नए बायोस में भी ये ऑप्शन होती है, आपको जस्ट सर्च आउट करने हैं कि साटा कंट्रोलर कहां पे है या आईडीई कंट्रोलर कहां पे है जो हमारे बायोस में जो है वो डिसेबल्ड हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ऑन चिप आईडीई डिवाइस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और यहां देखिए साटा सीरियल आटा सीरियल ATA सेटिंग्स। तो ऑन चिप सीरियल ATA सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट है वो एनहांस मोड पे है, अगर आप इसमें इंटर की प्रेस करते हैं और अगर ये डिसेबल्ड हो जाती है, समटाइम ये डिसेबल्ड हो भी जाती है, रिवर्ट हो जाती है आपकी बायोस अगर बायोस की बैटरी डाउन है या किसी ने कर रखा है, तो अगर ये डिसेबल्ड मोड में होगी साटा कंट्रोलर डिसेबल्ड मोड, अगर हम इंटर की प्रेस करेंगे यहां पे, यानी हम अब की बार जो बायोस की सेटिंग है जिसमें हमने ये बता दिया कि साटा कंट्रोलर जो है वो डिसेबल्ड हो गई है। ओके, वन स्टेप बैक जाएंगे और सेव एंड एग्जिट करेंगे। तो सेव एंड एग्जिट करने के बाद दोबारा से देखिए यहाँ पे, जैसा कि हम सेव एंड एग्जिट कर बाहर निकले हैं और दोबारा से जब हमारी सिस्टम बूट होगी तो हम यहाँ पे डेल टू इंटर सेटअप यानी फिर से बायोस के अंदर जाएंगे और ये चेक करेंगे कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब की बार आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि साटा कंट्रोलर जो है वो हमने डिसेबल कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए नन 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 नन, यानी कहीं पे भी जो है साटा हार्ड डिस्क या साटा डिवाइस जो है डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो टॉपिक ये कहता है जो वेरीफाइंग डीएमआई पूल डेटा जो आ रही थी, अल्टीमेटली आपको ये चेक करना है कि आपके बायोस में हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर के बूटेबल डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल होता है और हार्ड डिस्क में ही आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिससे आपका सिस्टम बूट करती है। ओके, तो यहाँ पे वन स्टेप बैक जाएंगे और यहाँ इंटीग्रेटेड पेरिफेरल में फिर से आएंगे और ऑन चिप आईडी डिवाइस इंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑन चिप सीरियल जो ATA सेटिंग्स है अटैचमेंट, यहाँ पे हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे और इसे ले आएंगे एनहांस मोड पे। अगर आपको समझ में नहीं आती है कि ये इस चारों ऑप्शंस में या कहाँ पे वो आपको सेटिंग्स मिल सकती है, अगर आपको ये नहीं समझ में आती है कि साटा कंट्रोलर कहाँ पे है या आपको बायोस में नहीं मिल रही है, और अगर मिल चुकी है और आपको ये समझ में नहीं आती है कि कौन सा ऑप्शन रखा जाए, तो वन स्टेप बैक और लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट्स, वहाँ देखिए लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट ये कहता है फैक्ट्री रीसेट सेटिंग्स। ओके, यानी बायोस में अगर आपको साटा कंट्रोलर की ऑप्शन नहीं दिख रही है तो आप अपने बायोस को डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाएं। डिफॉल्ट सेटिंग पे आप जैसे ही कॉन्फिगर करेंगे अपने बायोस को तो बायोस में जो साटा कंट्रोलर होगा वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और एक प्रॉपर ऑप्शन के साथ होगा। डेमो के रूप में आप देखिए, फिर से इंटीग्रेटेड पेरिफेरल में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ओके, इंटर की प्रेस कीजिए ऑन आईडीई डिवाइस इंटर और यहाँ पे देखिए अभी मैं इसे डिसेबल करने जा रहा हूँ। डिसेबल्ड, एस्केप 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 और लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट अगेन और यहाँ पे देखिए यस। ओके, फिर से आइए यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स में आएंगे और यहाँ देखिए आईडीई डिवाइस और ये बाय डिफॉल्ट जो है साटा कंट्रोलर इनेबल भी हो गई है और जो आपके इस कंप्यूटर के लिए सुटेबल है, जो सूट कर रही है, जो रिकमेंडेड ऑप्शंस है वो यहाँ पे इनेबल हो गई है। वन स्टेप बैक स्टैंडर्ड सीमोस फीचर में जाएंगे, इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए कि अभी भी जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो एक बार हम जो है सिस्टम को रिबूट लेंगे, यानी वन स्टेप बैक और सेव एंड एग्जिट सेटअप में जाएंगे, जैसा कि साटा
इनेबल, साटा इनेबल है, साटा कंट्रोलर, और वो रिकमेंडेड सेटिंग पे है, यस करेंगे। और सिस्टम को एक बार फिर से हम बायोस के अंदर जाके चेक करेंगे कि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। डेल टू इंटर सेटअप, तो यहाँ पे देखिए साटा कंट्रोलर इनेबल है और हमारे हार्ड डिस्क जो है लगी हुई है, प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी हुई है साटा पावर के साथ, साटा डेटा केबल के साथ। और इंटर की जैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए साटा जो है वो डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। 160 GB की जो है हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी हुई है। वन स्टेप बैक। और यहाँ पे जो है जैसा कि आपने डिफॉल्ट सेटिंग कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे ड्राइव ए को हम लोग नन पे रखेंगे, यानी हमें फ्लॉपी ड्राइव यूज नहीं करने हैं, नन। वन स्टेप बैक, और एडवांस बायोस फीचर में हम लोग जाएंगे, एडवांस बायोस फीचर, क्योंकि आपको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के बायोस में ये चेक करना होगा कि आपका जो बायोस बूट ऑर्डर है वो क्या कहता है। तो आपके बायोस को ये बताना होगा कि आपके कंप्यूटर में बूट ऑर्डर क्या है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बूट ऑर्डर जो होती है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो सम टाइम पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव या नेटवर्क से बूट करती है। तो आपको अपने सिस्टम में अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो गई है और उसमें पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड थी, तो आपको फर्स्ट बूट डिवाइस हमेशा हार्ड ड्राइव को सेट करने हैं। तो जैसा कि यहाँ देखिए फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी रोम है, डिफॉल्ट सेटिंग ये कहती है, लेकिन हमें सीडी रोम नहीं रखने हैं, इंटर की प्रेस करेंगे और हार्ड डिस्क रखने हैं। हार्ड डिस्क को हमने फर्स्ट बूट डिवाइस जो है सेट कर रखा है, और सेकेंड बूट डिवाइस जो है हमें अदर कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क, सेकेंड बूट डिवाइस हार्ड डिस्क, और थर्ड पे भी हम लोग हार्ड डिस्क को ही रख देंगे, कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि फ्लॉपी नहीं रखना चाहते हैं। ओके, तो यहां पे हम बायोस को ये बता रहा है कि आपका जो बूटिंग ऑर्डर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो तीनों ही हार्ड डिस्क है, और यानी हमारे कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी हुई है उससे आप बूट करें। तो यहां पे आप F10 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, F10 जैसा कि F10, और आपको अपने लैपटॉप के बायोस में या डेस्कटॉप के बायोस में ये चेक करना होगा कि बूट ऑर्डर कहां पे है। F10 प्रेस करने के बाद आपको Y प्रेस करने हैं, यस, यानी सेव एंड एग्जिट। F10 एक शॉर्टकट बटन है बायोस के लिए, जहां से आप सेव एंड एग्जिट करते हैं। तो जैसा कि यहां पे जो हमारी सिस्टम है वो रिबूट हो रही है, और रिबूट होने के बाद हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो वो बूट करेगी, और अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो देखिए वेरीफाइंग DMI पूल डेटा में ये फंसी हुई है, इट मींस यहाँ पे हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे, और ये कर्सर जो ब्लिंक कर रही है ये कहती है कि ये बूटिंग ऑर्डर में लगी हुई है, और यहाँ पे अपडेट सक्सेस आ रही है, यानी हार्ड डिस्क की इशू नहीं है। 160 GB आप वहाँ देख सकते हैं डिटेक्टेड है, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रही है, इट मींस हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी रहेगी तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट नहीं रहती है, तो आपको बायोस में जाके हार्ड डिस्क चेक करने होते हैं कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और जैसा कि ये हमारा कंप्यूटर है और अब हम इसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।